Hi there everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Gulnar. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में we are going to do a full face makeup using drugstore or local products. ठीक है, तो local products और drugstore products से जो है हम अपना पूरा face का makeup करेंगे. ठीक है, it will be beneficial for you all क्योंकि ईद आने वाली है, तो आप लोगों को idea हो जाएगा कि आप लोगों को कौन कौन सा makeup अपने लिए लेना है, ख़रीदना है और फजूल के पैसे ज़ाया भी नहीं करने हैं. सही है, सो विदाउट एनी फर्दर बकवास, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपने फेस को थोड़ा सा रोज़ वाटर मैं डालूंगी ताकि थोड़ा फेस जो है वो टोन हो जाए. उसके बाद आई एम यूजिंग हिमालय का मॉइस्चराइज़र. ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, तो गर्मियों के लिए इट्स वेरी नाइस ऑयली स्किन वालों के लिए. इतना लूँगी वो पाम पे रब करके, जस्ट डैबिंग इट ऑन टू द फेस. उसके बाद जो है मैं ये डिगैनिश का प्राइमर है, दिस इज़ अ लोकल ब्रांड डिगैनिश. ठीक है, और ये इसके प्राइमर्स जो है आपको कहीं कहीं जगहों पे मिलेंगे. ठीक है, बहुत ही लोकल जहाँ मेकअप मिलता है वहीं पे मिलेंगे. ठीक है, इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. ठीक है, ब्यूटीफाई बाय आमना का जो प्राइमर होता है ये बिल्कुल उसी तरीके का है. ठीक है, तो ब्यूटीफाई बाय आमना के प्राइमर में पैसे खर्च करने या फिर सस्ता वाला प्राइमर लेना है ये आपके ऊपर है. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सिलिकॉन बेस है, कोई एक्ने कुछ नहीं होता है इससे. ठीक है, हाफ ऑफ द प्राइस में मिल जाएगा. ब्यूटीफाई बाय आमना का आई थिंक 800 या 900 कुछ का होगा, तो ये आपको जो है वो 300 में मिल जाएगा. 350 का मैंने लिया है, ये 300-350 में मिल जाएगा. ठीक है, तो ये सिलिकॉन बेस प्राइमर है, मैं थोड़ा और ले लेती हूँ. इसका पंप भी है लेकिन आई यूज़ इट फ्रॉम देयर क्योंकि पंप ख़राब हो चुका है. ठीक है, एज यू गाइस कैन सी ये है सिलिकॉन बेस. जहाँ जहाँ पोर्स है आप वहीं वहीं सिर्फ लगाए प्राइमर. ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि अगर मैं प्राइमर अपनी अंडर आई पर लगाती हूँ तो कंसीलर जो है वो क्रीज नहीं होता, एंड इट वर्क्स, इट कम्प्लीटली वर्क्स. होता है लेकिन कम होता है. मेरे अंडर आईज़ में प्राइमर, मेरे अंडर आईज़ में जो है वो कंसीलर बहुत ज़्यादा क्रीज करते हैं, तो इसलिए अ प्राइमर अंडर योर आई इज़ नेसेसरी फॉर मी. नोज पे थोड़ा सा फोरहेड पे, पूरे मुंह पे लगा दिया मैंने. ओके, फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन. ठीक है, इट्स इन द शेड 120. इसको मैं अपनी फेस पे लगाऊंगी. ये मैंने न्यू बाय किया है और आई हैवेंट यूज फिट मी पहले कभी, वियर्ड लेकिन आई हैवेंट क्योंकि आई एम नॉट अ फाउंडेशन पर्सन. मैं बीबी क्रीम और कंसीलर पर्सन हूँ, तो मैं फाउंडेशन थोड़े कम प्रेफर करती हूँ, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट फिट मी, तो लेट्स ट्राई. ठीक है, बेसिकली ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है. लेट्स सी कि ये अगर ऑयली स्किन वालों के लिए काम करता है नहीं करता. थोड़ा सा मैं अपनी एंड ब्यूटी ब्लेंडर हाथ से लगा लेती हूँ, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से. कंसिस्टेंसी इसकी इतनी थिक नहीं है, वेरी नाइस. जितने भी स्पॉट्स थे वो सारे जो है छुप चुके हैं. ठीक है, कवरेज इसकी इट्स वॉर्म. ठीक है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मुझे लगा कि थिक नहीं है, लेकिन दैट्स अ गुड थिंग क्योंकि अगर रेगुलर फाउंडेशन है तो अगर लाइट कंसिस्टेंसी है तो वो फेस पे इतना हैवी नहीं लगता. ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो रही है, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को वेट भी नहीं किया है, इसके बावजूद ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है. आई जस्ट डोंट फील लाइक वेटिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर, इसलिए मैंने ब्लेंडिंग.
परफेक्ट। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे मेरे ब्लेमिशेस अभी भी दिख रहे हैं, तो क्योंकि मैंने एक ही पंप लिया था तो एक पंप के हिसाब से तो दिस लुक्स अमेजिंग। ठीक है, मेरे ख्याल में ये इतना ऑयली नहीं है, तो ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और इस पर कॉम्पैक्ट पाउडर अगर आप लगा लेंगे ठीक तरीके से तो ये पूरा दिन जो है आपका सेट रहेगा। इट्स अ गुड वन, इट्स अ रियली गुड वन। इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय अ गुड फाउंडेशन जो ज़्यादा महंगा भी नहीं हो, हाई एंड भी नहीं हो, आपकी रेंज में भी हो, तो मेबलिन ड्रग स्टोर ब्रांड है। इट्स नॉट अ लोकल ब्रांड, इट्स अ ड्रग स्टोर ब्रांड। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ओह माय गॉड, आई एम जस्ट इन लव विद दिस फाउंडेशन। स्किन टोन मेरी स्किन टोन से मैच करती है, तो 120 आपका जो है ग्लास बॉटल में 120 आपको सूटेबल आएगा। लेकिन अगर आपको ट्यूब वाले में लेना है ना, फॉर्म में लेना है, देन आपको आई गेस 220 है वो शेड आपको परफेक्ट आएगा। क्योंकि मैंने वापस वॉश करके देखा था, लेकिन आई फील लाइक आई शुड बाय ग्लास बॉटल क्योंकि थोड़ा सा फैंसी लगता है। ठीक है, ट्यूब मुझे थोड़ी सी बीबी क्रीम वाइब्स देती है, तो आई थिंक फाउंडेशन लुक्स फैंसी इन ग्लास बॉटल, इसलिए मैंने ये वाला लिया। बट अगर आप लोगों के लिए जो है वो ट्यूब फॉर्म अगर आपको अच्छा लगता है तो यू गाइस कैन बाय ट्यूब फॉर्म। ओके, इट्स अप टू यू। सो फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग एज रिवाइंड का कंसीलर, दिस इज़ ऑल्सो ड्रग स्टोर ब्रांड। ठीक है, ये लोकल नहीं है, दिस इज़ ड्रग स्टोर। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, नॉट दैट एक्सपेंसिव, लेकिन ख़ास बात क्या है कि कोई भी लोकल कंसीलर से दिस इज़ बेस्ट, कोई भी हाई एंड कंसीलर के मुकाबले का ये है। शेप टेप या टू फेस तो नहीं कहूँगी, लेकिन शेप टेप के बराबर टक्कर का, अगर हम उसको लेयरिंग करेंगे तो वो शेप टेप के जैसा ही हो जाएगा। थे दिस इज़ इन द शेड हनी, मैंने हनी दिया था, शेड ही नहीं लिखा हुआ, व्हाट शेड ही नहीं लिखा हुआ, मैंने हनी लिया था 140, अरे लिखा हुआ यार 140 हनी, मेरी आँखें ख़राब हो गई। 140 हनी है ये, सही। इससे पहले मेरे पास, मैं एक साल से एज रिवाइन यूज़ कर रही हूँ, तो इससे पहले वाला जो शेड था मेरे पास वो था ये मीडियम है, 130 मीडियम है, ये 140 हनी है, ये इससे एक शेड डार्कर है। थोड़ा सा अगर ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए तो यू गाइस कैन बाय दिस, अगर थोड़ा सा नेचुरल लुक चाहिए तो फिर अपने स्किन टोन के शेड का ही कंसीलर लें। और इसकी एप्लीकेटर कुछ इस तरह से होती है कि इसको यू ट्विस्ट 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 घुमाना होता है और प्रोडक्ट जो है ऊपर स्पंज पर आ जाता है, एंड देन वी हैव टू डायरेक्टली अप्लाई इट अंडर योर आई। कंसीलर अप्लाई करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि एक ट्राइंगल बना लें, ठीक है, अपने आँखों के नीचे। लाइक दिस, इट्स नॉट दैट ब्राइट, बट ये आपकी डार्क स्पॉट्स को कंसील ज़रूर करेगा। अब इसको जो है हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड आउट कर लेंगे। दिस इज़ द बेस्ट कंसीलर, अगर लुकिंग फॉर अ गुड कंसीलर तो यू शुड बाय दिस। ठीक है, ये आराम से छोटा लगता है, लेकिन ये आराम से जो है ना लंबा टाइम चल जाएगा, 5-6 महीने चल जाता है ये। ठीक है, अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड आउट कर लूँगी। ईद के लिए इफ़ यू आर कलेक्टिंग मेकअप, ठीक है, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है बहुत सी लड़कियां मेकअप लेंगी ईद पे, तो आई गेस जो जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपकी रेंज में भी आ जाएगी, और वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इस हार्ट डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ईद वाले दिन होता है ना कि कोई न्यू चीज़ ख़राब निकले तो पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है, तो ये आपको वो वाला रिएक्शन नहीं देगा। सेट करने के लिए आई एम यूजिंग मेडोरा का ये कॉम्पैक्ट, सॉरी मेडोरा। ओके, सो माय कैमरा स्टॉप रिकॉर्डिंग, और मेरे ख्याल में मैंने पाउडर तक जो है अपने फेस को सेट कर दिया था वीडियो में, एंड देन उसके बाद जो है मैंने अपनी आई आईब्रोज और आई को जो है इसके लिए आई हैव यूज्ड मिसोस का न्यूड पैलेट, उसमें से मैंने
ये वाला शेड और ये वाला शेड जो है अपनी क्रीज पे लगाया है, ठीक है। एंड ये जो शिमर शेड है वो मैंने ये वाला शिमर शेड लिया था, ठीक है, इट्स लाइक दिस, और इसको जो है मैंने अपनी लिड्स पे लगाया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये जो है ड्यूप है फॉर हुदा ब्यूटी, ठीक है, ये लोकल ब्रांड है मिस रोज। तो अगर इफ़ यू गाइस आर लुकिंग फॉर ए पैलेट जो अच्छा हो, जिसकी प्रिगमेंटेशन अच्छी हो, जो रेंज में भी हो, लोकल भी हो, तो दिस इज़ द वन। वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स दी आई गेस लाइनर। लाइनर जो है वो लोकल ब्रांड में मैं BOB के यूज़ करती हूँ। BOB के मस्कारास एंड BOB के लाइनर्स आर लाइक हेल, बहुत अच्छे है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और पैसे बहुत कम वाला है, जिसकी ब्रश टिप जो है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। एंड सेकेंड वन है कुछ इस तरह का है, ठीक है, इसकी ब्रश टिप है। तो आई गेस आई बी यूजिंग दिस वन टुडे। नेक्स्ट थिंग इस मस्कारा, मस्कारा के लिए जो है आई हैव मेबलिन का कलोसल ब्लैक मस्कारा भी है, और मैं ये BOB का लैश ग्लैमर मस्कारा भी यूज़ करती हूँ, BOB लैश ग्लैमर मस्कारा। इससे बेटर मुझे ये लगता है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इसकी प्राइस से हाफ ऑफ द प्राइस का ये है। मस्कारा इज़ ऑन और मुझे नहीं लग रहा कि मुझे किसी लैशेस की ज़रूरत है। लेकिन नेक्स्ट इज़ फेस के लिए, फेस बहुत फ्लैट लग रहा है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ब्लश ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आई बॉट दिस क्रिस्टीन का ब्लश ऑन, हाईली पिगमेंटेड, सुपर ब्लेंडेबल मैट फिनिश। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, अंदर से जो है वो इस तरह का है। ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी मैं और this is a nice orange coral blush. This can be a bronzer also, meri skin tone ke hisab se. I really am in love with this blush. I love to apply a lot of blush, like so I can drag it down my neck and also I can apply it over here. Looks so beautiful. ठीक है, नेक्स्ट इज हाईलाइटर, माई फेवरेट पार्ट। ये है मेबलिन का कवर फेस स्टूडियो क्रोम एक्सट्रीम, और ये शेड है इसका 200 डायमंड ग्लो। मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आप लोग को। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बस मुझे ट्राई करना था, मेरा दिल आ गया था इस पर, तो मैंने ले लिया। अच्छा, ये मेरी स्किन टोन के हिसाब का कलर नहीं है, दिस इज मोर ऑफ ए सिल्वर। नो इश्यूज, हम इसको गीला कर लेते हैं, ठीक है। रोज़ वाटर लिया है मैंने एंड उसके बाद आई एम गोइंग इन। फॉल आउट इज लेस जब ब्रश गीला होगा। मेरी स्किन टोन के हिसाब से नॉट अ बेस्ट, लेकिन अगर मैं चीक पे इस साइड पे नहीं लगाऊं तो आई थिंक ये ग्लो इज गुड इनफ, ठीक है। आई थिंक आई वुड अप्लाई इनर कॉर्नर्स पे आई की जस्ट लाइक दैट। आई हैव अ बंच ऑफ लिपस्टिक्स ऑफ मेडोरा, ठीक है, ये मेडोरा का शेड है 571, आज मैं ये लगाऊंगी। उसके बाद आई हैव दीज पेंसिल्स, ठीक है, एंड दीज आर बॉम, ये बहुत अच्छी पेंसिल्स हैं। इस पर पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, मलानी, मलाई मलानी, ठीक है। दिस इज़ अ लोकल
ब्रांड की ये लिपस्टिक्स हैं। आई बी यूजिंग दिस शेड राइट ओवर हियर, इसको मैं शॉप कर लेती हूँ। और दीज आर रियली नाइस ऑन लिप्स, ठीक है। और आई बी यूजिंग दिस अंडर, इधर मैं दिखाती हूँ। ओके, सो नाउ आई बी टेकिंग दिस मेडोना की लिपस्टिक, और इस ये शेड है 571, और इसको मैं सिर्फ अपने इनर लिप्स में लगाऊंगी, ठीक है। और आई बी ब्लेंडिंग दिस आउट। इतना नेचुरल इफेक्ट दे रहा है ये, गाइस कैन सी, है ना। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक, थोड़ी सी सनलाइट में दिखा रही हूँ। Okay, so hope you liked this video, enjoyed it. If you did, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel. And also shout out to those people who are keep supporting me, जो मुझे अभी तक support कर रहे हैं, अभी तक क्या आगे भी करना है, लेकिन yeah, those guys who are supporting me and motivating me to make videos. So thank you, and shout out to all those people in my life. They are such a pure soul, or I am very blessed to have them in my life. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys in my next video. Bye.